स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सेकंड फेज का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आपको भी स्वच्छ भारत मिशन, अगर आपको शौचालय बनवाना है, 12,000 रुपया गवर्नमेंट से रिसीव करना है, तो आपको ये वाला जो ऑनलाइन है आपको इसे फिल करना होगा। फिल कैसे करना है इस वीडियो में फुल प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको आना होगा एक लिंक पर, इसका जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। जैसे आप यहां पर आएंगे, मोबाइल नंबर एज लॉगिन आईडी, आपका मोबाइल नंबर ही आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। आपका नाम डालेंगे, इसके बाद जेंडर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, स्टेट का नाम को यहाँ से चूज़ करेंगे, कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे और सबमिट। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अभी आपको नीचे लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, आपका पासवर्ड हो जाएगा लास्ट 4 डिजिट और फिर मोबाइल नंबर। इसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे और साइन इन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाएगा, अभी आपको पासवर्ड को चेंज करना है। ओल्ड पासवर्ड मतलब कि आपका मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट डालना है। इसके बाद नया पासवर्ड को यहाँ से आपको एंटर करना होगा। पासवर्ड किस तरीके का होना चाहिए नीचे इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अभी आपको होम पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए न्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन और चेंज पासवर्ड है, तो हम यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आ जाएगा IHHL एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन को आपको कम्प्लीटली फिल करना है। फिल कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका स्टेट का नाम आ जाएगा, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है, यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से पंचायत, विलेज और हैबिटेशन। इसके बाद नीचे आएंगे सेक्शन बी जो कि टॉयलेट ओनर्स पर्टिकुलर है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है यहाँ पर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, कंसेंट पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई जैसे ही कर देंगे तो आपके आधार कार्ड के बेस में जो भी डिटेल्स वहाँ पर रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आता है तो आपको खुद से ऐसे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे जब आ जाएंगे सेक्शन सी में, आपको अपना IFSC कोड डालना है बैंक का। जब आप यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे और नो योर IFSC कोड पर क्लिक करेंगे तो ये बैंक नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अकाउंट नंबर दो बार यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर लिखना है, इसके बाद कन्फर्म करना है। स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, आपको एक पासबुक का फोटो ले लेना है और साइज को 200 KB के अंदर कर लेना होगा, पेंट में हो जाता है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कुछ दिनों तक ये वेरीफाई होता है। इसके बाद कोई लोकेशन में इसका जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं आपके घर आते हैं, और अगर शौचालय बना हुआ होता है तो आपको 12,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन एक बार यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको ऑफिस में जाके एक बार मीट करना होगा ताकि आपका पैसा जल्दी आए, नहीं तो ऑटोमेटिक भी वो आते हैं और वेरीफाई करके आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। सो इस तरह से अगर आपको स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय के अंदर पैसे लेना है तो ये प्रोसेस से ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।